हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट हुए एएमई एवं एडब्ल्यूएम के पेपर्स का सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर हमारा ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि हमारा एएमई और एडब्ल्यूएम के लिए थे। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह 24 जुलाई 2022 को, जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट कराए गए हैं। अगर इसके टाइम की बात करें तो इसमें टोटल 2 घंटे दिए गए थे कैंडिडेट को। और प्रश्न की संख्या की बात करें तो 110 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का सॉल्यूशन यानी जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान किए गए थे। अगर बात करें टोटल 110 प्रश्न में, तो इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए थे। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दिए गए थे, जिसमें पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में टोटल 80 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें कर्मचारी को 70 प्रश्न का जवाब देना था मैक्सिमम। और पार्ट बी की बात करें तो इसमें टोटल 30 प्रश्न इंक्लूड किए गए थे, जिसमें कर्मचारी को सारे प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य था। आगे चलते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस एग्ज़ाम के तहत पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए आ गया। पार्ट ए के अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी सेक्शंस आर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ हैं। तो टोटल बात करें राजभाषा अधिनियम, जो कि हमारा 1963 में 10 मई को पारित किए गए थे, जिसमें टोटल धारा हमारा 9 की संख्या में थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा 10 मई 1963 को पारित किए गए थे, जबकि संशोधन की बात करें तो 1967 में यह संशोधित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हेन हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही इससे रिलेटेड बात करें कि अगर आपसे वर्ल्ड हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा जाता है तो वो आप 10 जनवरी लगाएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल वेस्ट बंगाल कम्स इन विच रीजन यानी राजभाषा नियम के अनुसार पश्चिम बंगाल हमारा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी सी रीजन के अंतर्गत आता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एमेंडेड, यहाँ पर संशोधन की बात किया गया है कि 1963 जो हमारा राजभाषा अधिनियम था उसका संशोधन हमारा 1967 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें कि 1900 हमारा कब पारित किया गया था, तो यह 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के लिए हमारा ऑप्शन बी संशोधन 1967 में किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से लेकर 351 संविधान के किस भाग में आते हैं। तो यह बात करें पार्ट 17 यानी भाग 17 में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द एलिमेंट्री कोर्स फॉर लैंग्वेज ट्रेनिंग यानी जो हमारा भाषा अधिनियम के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन से होते हैं। तो टोटल हम जानते हैं कि हमारा 3 पाठ्यक्रम होता है प्रांगत को छोड़कर। सबसे पहला हमारा होता है प्रबोध, दूसरा हमारा होता है प्रवीण और लास्ट हमारा होता है प्राग। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहला पूछा गया था एलिमेंट्री, तो इस केस में हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रबोध सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे फाइनल पूछा जाता तो फाइनल में आप
प्राग आंसर सही उत्तर होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, यानी राजभाषा हिंदी की लिपि कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स कॉम्स अंडर सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कितने दस्तावेज आते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी 14 की संख्या में, यानी 14 की संख्या में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, यानी राजभाषा नियम के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हमारा 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर जाएगा, जिसमें हमारा ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन, यानी 3 रीजन के अंतर्गत इसको डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर द मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी इज हेल्ड, यानी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है। तो वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, जबकि 3 मंथ यानी 3 माह पर एक बार इसका मीटिंग कंडक्ट किया जाते हैं, और वर्ष में अगर पूछे तो 4 बार टोटल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, यानी वर्किंग जो ट्रेन हमारा होता है उसमें बीपी प्रेशर यानी ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होता है। तो ये हमारा 5 ± 0.1 kg/cm² होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा बीपी प्रेशर है। अगर आपसे एफपी का प्रेशर पूछे तो एफपी का प्रेशर हमारा 6 ± 0.1 kg/cm² होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द ड्राइवर रिड्यूसेस द बीपी प्रेशर बाय 1.2 kg/cm² देन इट इज कॉल्ड, यानी ड्राइवर ने बीपी प्रेशर को 1.2 kg/cm² से प्रेशर को कम करता है तो उसको किस चीज़ के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेशर 1 से लेकर 1.5 के बीच गिराया गया है, यानी जो कि हमारा 1.2 इसी के बीच में आता है, जिसको हम फुल सर्विस एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए फुल सर्विस एप्लीकेशन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि इससे अलग रिलेटेड और सारे टर्म पूछे जाते हैं, जिसमें पहला पूछा जाता है कि सर्विस एप्लीकेशन किस केस में होता है। तो सर्विस एप्लीकेशन हमारा 0.5 से लेकर 0.8 केजी का जो प्रेशर होता है उसको हम सिर्फ सर्विस एप्लीकेशन के नाम, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। और सीधे आपसे अगर सर्विस एप्लीकेशन पूछे तो सर्विस एप्लीकेशन आपका 0.8 से लेकर 1 केजी के बीच जो भी प्रेशर होता है वो हमारा सर्विस एप्लीकेशन होता है, जबकि मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन हमारा 0.5 से लेकर 0.8 के बीच होता है। वहीं आपसे फुल सर्विस एप्लीकेशन के बारे में पूछता है तो वो 1 से लेकर 1.5 kg के पीस होता है, जबकि इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में हमारा 1.5 से लेकर 3.8 kg के प्रेशर के बीच हमारा इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा अगर बात करिए कि सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, तो सेंसिटिविटी टेस्ट हमारा होता है 0.6 केजी का प्रेशर अगर 6 सेकंड में अगर गिराते हैं, ब्रेक अप्लाई होता है तो हमारा डीवी सही वर्किंग में पाया जाएगा और सेंसिटिविटी टेस्ट हमारा सही पैमाने पर होंगे। वहीं अगर इससे उलट हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट की बात करें तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट में हमारा 0.3 kg/cm² का प्रेशर 60 सेकंड तक गिराए जाते हैं, जिस दौरान हमारा प्रेशर ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए और डीवी सेंस नहीं करनी चाहिए, तब जाकर हमारा इनसेंसिटिविटी टेस्ट सही होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमसे 1.2 केजी पूछा था तो हमारा यह फुल सर्विस एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि एलएचबी कोच आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ एक्सल बियरिंग, यानी एलएचबी कोच में किस प्रकार के एक्सल बियरिंग लगे होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा सीटीआरबी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्टेज टेपर टेपर रोलर बियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार, यानी पेंट्री कार का परिवहन कोड क्या होता है। इसका सही उत्तर हमारा WCB यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRP, यानी FRP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो PESD स्टैंड्स फॉर, यानी PESD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन LHB कोच, यानी एक LHB कोच में कितने ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक एक्सल पर हमारा दो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं और एक बोगी में टोटल दो एक्सल होते हैं, यानी दो एक्सल में टोटल चार की संख्या में हमारा ब्रेक डिस्क होता है। यहाँ पर हमसे एक LHB कोच में पूछा गया है, तो इसको दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आठ की संख्या में निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आठ की संख्या में एक LHB कोच में ब्रेक डिस्क होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन वन कन्वेंशनल एयर ब्रेक फ्रेट स्टॉक, यानी पारंपरिक एयर ब्रेक फ्रेट स्टॉक, यानी मालगाड़ी में जो हमारा एक वैगन में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं कन्वेंशनल टाइप में। यहाँ पर कन्वेंशनल टाइप ऑलरेडी बोल चुका है, तो उस कंडीशन में हमारा एक की संख्या में पर वैगन हमारा ब्रेक सिलेंडर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इसके डायमीटर की, तो डायमीटर इसका 355 mm होता है, जिसे आप 14 इंच के से बता सकते हैं। उसके अलावा अगर BMBS की बात करें कि अभी हाल ही में BMBS सारे बक्से किए जा रहे हैं बैगन, उसको उसमें टोटल दो की संख्या में होते हैं। वहीं इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 10 इंच या 255 mm के प्रॉक्स होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग डैम्पर्स इन अ बोगी, यानी एक बोगी में डैम्पर्स लगाने का क्या फ़ायदे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सस्पेंशन को इंक्रीज करता है, राइडिंग इंडेक्स भी सुधारता है, और जो हमारा यात्री यात्रा करते हैं उसमें कम्फर्ट में आरामदायक भी महसूस ज़्यादा कराते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CVC फिटेड ऑन कोचेज एंड वैगन्स, यानी कोचों और वैगनों पर लगे CVC का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य दोनों होता है, जब गाड़ी घिसती है तो पुलिंग होता है, और जब ब्रेक लगती है तो बफिंग का काम भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बोथ पुलिंग एंड बफिंग एक्शंस, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ग्रॉस लोड ऑफ अ कन्वेंशनल बॉक्सन बैगन, यानी पारंपरिक बॉक्सन बैगन का ग्रॉस वेट कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी 81.28 टन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जिसमें बात करें तो कैश नब 22 NLB टोली का प्रयोग किया जाता है। वहीं इससे अलग अगर बात करें तो एक्सल लोड की बात करें तो एक्सल लोड लोड हमारा 20.32 टन होता है बॉक्सन वैगन का। वहीं अगर टेयर वेट की बात करें तो टेयर वेट हमारा 22.47 टन होता है। वहीं अगर एक्सल लोड की बात करें तो एक्सल लोड हमारा 58.81 टन होता है।
अगर यहाँ पर हमारा ग्रॉस वेट अगर निकालना हो, यहाँ पर हमसे पूछा गया था ग्रॉस वेट, तो ग्रॉस वेट को जब हम एक टीयर वेट और एक्सल लोड को जब हम एडिशन करते हैं तो हमारा पाते हैं कि हमारा ग्रॉस वेट आ गया, जिसको अगर चार से अगर डिवाइड करते हैं इस कंडीशन में तो हमारा एक्सल लोड यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया था ग्रॉस लोड के बारे में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 81.28 टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन अ एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट काइंड ऑफ टेप इज यूज्ड व्हाइल टाइटनिंग द थ्रेड जॉइंट्स, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड जोड़ों की कसते समय किस प्रकार के टेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा टेफ्लॉन टेप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमई, पीएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएमई का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो व्हाट इज द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, यहाँ पर फीड पाइप के बारे में पूछा गया है, तो इसका कलर हमारा व्हाइट कलर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बीपी के बारे में पूछे तो यह ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द इक्विपमेंट विच फीड पाइप चार्जेस, यानी फीड पाइप को किस उपकरण के द्वारा चार्ज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा एआर हो जाएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी जैसे ही हम बात करें कि यहाँ पर हमारा एफपी पाइप है, यहाँ से हमारा एक डट कलेक्टर लगे होते हैं और यहाँ से हमारा ये हमारा एयर टैंक होता है, इसके बीच में हमारा एक एनआरबी लगे होते हैं जो यहाँ से हमारा ही पाइप से हवा को साफ करके डट कलेक्टर एनआरबी के थ्रू एयर टैंक में भेजते हैं, जो कि प्रेस एनआरबी हमारा जिसे हम नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रेशर तो एयर में जाने तो देते हैं लेकिन वापस एयर से एफपी में नहीं आने देते हैं। एनआरबी का यह वर्किंग प्रोसीजर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमसे पूछा गया था कि फीड पाइप किसको चार्ज करता है, तो यहाँ पर डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं और यह ईआर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द एक्सल कैपेसिटी ऑफ वीएलसी वैगन, जो हमारा एक्सल लोड वीएलसी वैगन का एक्सल लोड क्षमता कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी 20.32 टन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलग हमारा एक्स्ट्रा जानकारी की बात करें तो हमारा टोटल बीएलसी वैगन 5 कार की एक यूनिट होता है, जिसमें टोटल दोनों एंड पर हमारा ए कार लगे होते हैं जबकि बीच में हमारा बी कार लगे होते हैं। यहाँ पर हमारा सीबीसी हमारा होता है और इसके बीच में हमारा एसएलडी लगाए जाते हैं, जिसे हम स्लैक लेस ड्रो बार के नाम से जानते हैं। अगर बात करें ए कार के सीबीसी हाइट्स की तो वह 1105 mm के होते हैं, वहीं अगर बी कार की सीबीसी हाइट्स की बात करें तो ये हमारा 845 mm के अप्रॉक्स होते हैं। वहीं अगर इसके अलावा और बात करें तो इसमें बीएलसी वैगन हमारा नए चक्के की बात करें तो 840 mm का डायमीटर के चक्के लगे होते हैं, जबकि कंडम हमारा 780 mm के चक्के को कंडम कर देते हैं। इसमें टोटल एक कार में 5 यूनिट होते हैं और 9 यूनिट का एक रैक बनाकर चलाए जाते हैं। इसमें हमारा टोटल 8 की संख्या में एटीएल लगे होते हैं, जिसे हम ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के नाम से जानते हैं, जिसके मेंटेनेंस के लिए G100 मेंटेनेंस मैनुअल रखा गया है। यहाँ पर आप 20.32 टन बीएलसी वैगन का एक्सल लोड कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्सन वैगन, यानी बॉक्सन वैगन के पहिए का स्टैंडर्ड व्यास कितना होता है। तो यह हमारा 1000 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कंडम की बात करें तो 906 mm इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर किसको सहायता प्रदान करता है। तो जब हमारा प्रेशर ड्रॉप किए जाते हैं ब्रेक पाइप का, उस दौरान हमारा ये ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजने में यह सहायता प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ड्यूरिंग विच स्ट्रोक ऑफ डीजल इंजन बोथ वाल्व्स आर क्लोज्ड, यानी डीजल इंजन के किस स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व को बंद कर दिए जाते हैं। यानी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कंप्रेशन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी के दौरान दोनों स्ट्रोक को वाल्व्स को बंद कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्रैंक्स इन द एक्सल आर डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट, यानी एक्सल में क्रैंक का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, यानी यूएसटी टेस्ट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एनिलिंग ऑफ कार्बन स्टील यील्ड्स, यानी कार्बन स्टील्स की एनिलिंग करने के बाद कौन सा स्टील मिलता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी कोर्स ग्रेन पियरलाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉर विच एप्लीकेशंस नाइट्राइल NBR रबर इज मोस्ट सुटेड, यानी नाइट्राइल NBR रबर किस एप्लीकेशन के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वाइल्ड रेसिस्टेंस के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में अगर फुल फॉर्म की बात करें तो NBR का फुल फॉर्म हमारा होता है नाइट्राइल बिलेटेडिन रबर, इसको बोल सकते हैं नाइट्राइल बिलेटेडिन रबर, इसका फुल फॉर्म होता है। और वही बात करें कि NBR इज एन वाइल्ड रेसिस्टेंस सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ कोपोलीमर ऑफ एक्रोनिनाइट्राइल एंड ब्यूटाडीन के मदद से यह बनाए जाते हैं। और बात करें इसके एग्जाम्पल्स की थी, या इसको बनाने में फ्यूल्स होज या गैसकेट्स रोलर्स वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ से पूछा गया था सिर्फ सबसे उपयुक्त यह नाम वाइल्ड रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द नंबर सिस्टम यूज्ड इंटरनली इन कंप्यूटर टू कैलकुलेट एंड स्टोर द डाटा, यानी डाटा की गणना और स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किस प्रकार की संख्या प्रणाली का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिटेड इन GM लोकोमोटिव, एंड GM लोकोमोटिव का डीजल इंजन किस प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा टू स्ट्रोक के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर LLHLCR आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स द ARMB शुड बी स्टेशंस, यानी HLCR के अनुसार ARMB को कितने किलोमीटर पर तैनात किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 100 किलोमीटर के अप्रोक्स स्टेबल किए जाना चाहिए स्टेशंस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन विदाउट ERT यानी विदाउट 140 टन जो क्रेन लगे होते हैं, यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन विदाउट 140 टन क्रेन इज कॉल्ड, यानी 140 टन के बिना दुर्घटना राहत ट्रेन किस क्लास में अंतर्गत आते हैं। तो यह बी क्लास ERT के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी, यानी लेड एसिड बैटरी में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी CH2SO4, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गियर टीथ, यानी गियर टीथ बनाने के लिए कौन सा मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा माइलिंग हो जाएगा सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट शुड बी द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ अ मेल ट्रेन, यानी मेल ट्रेन का मार्ग में ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा 95% ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर आपसे राजधानी ट्रेन के बारे में पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर 90% होगा इन रूट में, जबकि शुरुआती स्टेशन पर 100% दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, यानी पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का अधिकतम व्हील गेज कितना होता है। चूंकि व्हील गेज का पैमाना 1600 प्लस 2 माइनस 1 एमएम होता है, यहां पर हमसे मैक्सिमम यानी अधिकतम पूछा गया है, तो हमारा 1602 एमएम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता तो 1599 आप बता दें। वहीं अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाता कि स्टैंडर्ड डायमेंशन कितना होता है तो आप 1600 एमएम टिक लगाते। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द व्हील ट्रेड डायमीटर परमिटेड फॉर फोर व्हीलेड ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन ब्रॉड गेज व्हाइल टर्निंग द व्हील, यानी चार पहिए ट्रॉली के ब्रॉड गेज कोच के एक ही कोच पर पहियों को मशीन पे टर्निंग करते समय दो ट्रॉलियों के चक्के के बीच में व्यास में कितना अधिकतम अनुमेय परमिटेड अलाउ है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी 13 mm इसको अलाउबल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 30 mm सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रेजेंट इन वन LHB कोच, वन LHB कोच में एक LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। चूंकि एक ब्रेक डिस्क पर एक ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं और एक एक्सल पर हमारा दो ब्रेक डिस्क होते हैं, टोटल में हमारा चार ब्रेक एक्सल लगे होते हैं। इस केस में आप टोटल ब्रेक सिलेंडर चार और चार आठ की संख्या में हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रॉम CBC टू CBC व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ LHB कोच, यानी CBC से CBC तक एक LHB कोच की अधिकतम लंबाई कितना होता है। तो इसका अधिकतम लंबाई हमारा 24,000 mm हो जाएगा, जो कि CBC से CBC तक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे बॉडी टू बॉडी यानी एंड पैनल जो हमारा होता है उसके बॉडी टू बॉडी तक आपसे पूछा जाए तो 23,540 mm आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे CBC पूछा गया है तो 24,000 mm हमारा हो जाएगा। वहीं अगर आपसे व्हील बेस LHB कोच का पूछा जाता है तो ये हमारा 2560 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द असेंबली ऑन विच DV इज डायरेक्टली अटैच्ड, एंड DV किस उपकरण से सीधे डायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी कॉमन पाइप ब्रैकेट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें इन अ लोडेड ICF कोच व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट फ्रॉम अ रेल लेवल, यानी लोडेड ICF कोच में रेल लेवल से बफर की न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई कितनी होती है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है लोडेड कंडीशन में मिनिमम परमिसिबल, तो लोडेड कंडीशन में हमारा मिनिमम 1030 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिन्स इन द LHB ब्रेक डिस्क, यानी LHB ब्रेक डिस्क में फिन्स लगाने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा फॉर कूलिंग ऑफ द डिस्क इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी स्पीड सेंटर आर प्रोवाइडेड इन द व्हील ऑफ LHB कोच, यानी एक LHB कोच में चक्कों में कितने स्पीड सेंसर लगे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा प्रत्येक एक्सल पर एक स्पीड सेंसर लगे होते हैं, तो टोटल एक कोच में हमारा चार एक्सल होते हैं, तो चार की संख्या में हमारा स्पीड सेंसर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी चार की संख्या में उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक्स, जिसे हम ATL भी बोलते हैं,
आर प्रोवाइडेड इन आ BLC वैगन, यानी एक BLC वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक उपलब्ध होते हैं। तो इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8 की संख्या में पर BLC वैगन कनेक्ट रहते हैं। अगर बात करें इसके मेंटेनेंस मैनुअल की कि ATL जब ख़राब होता है तो उसको G100 के अंतर्गत, हमारा जो गुड्स का मेंटेनेंस मैनुअल है G100, उसके अंतर्गत ATL का मेंटेनेंस मैनुअल देखा जाता है। मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के बारे में G100 ही ATL के लिए जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, यानी इनमें से उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा RF 361, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो 5725 kg मीटर इसकी कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ क्लीनिंग ऑफ डट कलेक्टर, यानी डट कलेक्टर को कितने अंतराल पर साफ किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 मंथ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इन अ फ्रेट ट्रेन ऑफ 58 वैगन्स हाउ मच शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन लोकोमोटिव एंड ब्रेक वन, चूँकि लोकोमोटिव में 5 kg का ही प्रेशर होता है और यहाँ पर हमें 58 व्हीकल्स के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर रूल है कि अगर 56 से कम होता है अगर, या 56 के अप्रॉक्स है, तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेक वन में प्रेशर 4.8 kg होना चाहिए मिनिमम। लेकिन अगर 56 से अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 4.7 भी अलाउबल होता है। तो चूँकि हमारा 56 से ज़्यादा 58 है तो उस कंडीशन में हमारा लोकोमोटिव में 5 kg जबकि ब्रेक वन में 4.7 kg पर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ बोगी इज फिटेड इन WDM2, यानी WDM2 में किस प्रकार की बोगी फिट किए जाते हैं। तो कोको टाइप बोगी हमारा फिट किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच क्लास ऑफ इंसुलेशन इज यूज इन TM165M, एंड TM165M में किस क्लास के इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा एच क्लास के हमारा इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, एंड ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हनी कॉम्बिंग इज रिलेटेड विथ विच सब असेंबली मेंशन्ड बिलो, यानी कौन सी सब असेंबली से हनी कॉम्बिंग संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हमारा लाइनर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ टर्बो चार्जर इज ड्राइविंग इन अ GM लोकोमोटिव, यानी GM लोकोमोटिव में टर्बो चार्जर किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी गियर ट्रेन एंड एग्जॉस्ट गैसेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर गियर ट्रेन के बारे में बताया जाए तो गियर ट्रेन में हमारा लोअर नोच पर हमारा कंडक्ट कराए जाते हैं, जबकि एग्जॉस्ट गैस हमारा हायर नोच पर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ इज ट्रैक्शन मोटर इज कूलेड इन अ WDG4 लोको, यानी WDG4 लोको होता है उसमें ट्रैक्शन मोटर को कैसे ठंडा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए फोर्स एयर वेंटिलेटेड कूलेड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वाल्व सीट इंसर्ट इन अ कूलेड इन बीच मीडिया, यानी वाल्व सीट इंसर्ट को किस पदार्थ से ठंडा किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए लिक्विड नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोको स्पीड इज ऑब्जर्व बाय विच इक्विपमेंट, यानी लोको की गति किस उपकरण के द्वारा देखी जाती है। इसका सही उत्तर हमारा टेको जनरेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जी आर प्रोटेक्ट डीजल लोकोमोटिव फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स, एंड डीजल लोकोमोटिव को जी आर के किस प्रकार के दोष से बचाया जाता है। तो जी आर का मतलब यहाँ पर हमारा होता है ग्राउंड रिले, जो हमारा ग्राउंड रिले होता है उससे रिलेटेड होता है। इसमें हमारा लोकोमोटिव को किससे बचाया जाता है, तो अर्थ फॉल्ट, यहाँ जी आर का मतलब ही होता है ग्राउंड रिले, यानी अर्थ फॉल्ट से बचाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में छूट गया था कि विथ डिस ब्रेक सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका सही उत्तर कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था कि ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम विथ डिस ब्रेक सिस्टम इसका उत्तर था, जो कि यहाँ पर लिखने में भूल हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द इसेंशियल टू बी द डन टू अनकपल बीपी और एफपी ईयर हॉज, यानी बीपी या एफपी ईयर हॉज को अलग करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसका सबसे पहला होता है कि क्लोज एडेसेंट एंगल कॉक, यानी दोनों साइड को एंगल कॉक को सबसे पहले बंद करें, फिर जाके ईयर हॉज को अनकपल करें, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू मूव सी क्लास ओडीसी, यानी सी क्लास ओडीसी को मूवमेंट संचालित करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो इसका दिन के उजाले में इसको मूवमेंट कराया जाता है सी क्लास ओडीसी को, और इसका स्पीड की बात करें तो 25 किलोमीटर पर आवर मेन लाइन में इसकी स्पीड होती है, जबकि बी क्लास ओडीसी की बात करें तो यह डे एंड नाइट दोनों में मूवमेंट करते हैं, और इसके लिए भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होता है, जबकि नाइट में स्कॉटिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है बी क्लास ओडीसी में, जबकि सी क्लास ओडीसी सिर्फ दिन के उजाले में ही चलाए जाते हैं। इन ईयर ब्रेक स्टॉक बीपीसी बिकम्स इनवैलिड इफ द रेक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड, यानी ईयर ब्रेक में बीपीसी अमान्य हो जाता है यदि परीक्षण यार्ड में रेक स्थिर हो जाए 24 घंटे से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट, नोडल पॉइंट मीन्स शुरुआती पॉइंट है, तो उस केस में हमारा सीसी रेक पूछा गया है तो 100% ब्रेक पावर होगा शुरुआती पॉइंट्स पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जबकि इन रूट की बात करें तो इन रूट में हमारा मिनिमम 90% सीसी रेक की कंडीशन में होना चाहिए। अगर इसकी बीपीसी की कलर बात करें तो येल्लो कलर की इसका बीपीसी इशू किए जाते हैं, जबकि इसकी एग्जामिनेशन जब किए जाते हैं सीसी रैक का तो उसमें मैन आवर हमारा 100 मैन आवर्स का जरूरत रिक्वायरमेंट होते हैं इसकी एग्जामिनेशन के लिए। और इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो बीपीसी वैलिडिटी 3+5 डेज होता है, जिसमें 30 डेज में आप मल्टीपल अनलोडिंग लोडिंग करा सकते हैं, जबकि ग्रेस 5 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है जिसमें आपका एग्जामिनेशन यार्ड में लौटना अनिवार्य होता है। और आप बीपीसी पर अगर गार्ड मेंशन नहीं करता है बैक पेज पर किलोमीटर, उस कंडीशन में यह कम कर 20 डेज का ही बीपीसी के वैलिडिटी हो जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था सिर्फ बीपीसी का शुरुआती ब्रेक पावर परसेंटेज, जो कि 100% ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट शुड बी द डन इफ कंटिन्यूस व्हील स्लिप इज एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू लॉक्ड एक्सल इन WDP4 एवं WDG4, यानी WDP4 एवं WDG4 में अगर लॉक्ड एक्सल के कारण लगातार व्हील स्लिप हो रहा हो तब क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले फेल द लोको इमिडिएटली, लोको को फेल इमिडिएटली घोषित करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड द चेक द कंप्रेसर कैपेबिलिटी, यानी कंप्रेसर की क्षमता की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ओरिफिस परीक्षण किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द पीरियडिसिटी फॉर रनिंग स्टाफ रिव्यू, यानी रनिंग स्टाफ की समीक्षा कितने अंतराल पर की जानी चाहिए। तो प्रत्येक 6 माह पर इसका रिव्यू करना चाहिए, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को होना चाहिए, जिसके लिए हमारा STA का टीम गठित होते हैं, जिसे आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा यह रिव्यू गठित की जाती है ताकि 6 महीने पर रनिंग स्टाफ की समीक्षा की जा सके। जिसे STA का फुल फॉर्म आप दोबारा सुन ले, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट प्रॉपर्टी डज द कर्टेंस एंड रेगजेंस प्रोवाइडेड ऑन LHB कोचेज हैव, यानी LHB कोचों पर उपलब्ध कराए गए पर्दे और रेगजेंस किस प्रकार के होते हैं। तो यह आग रोधी होते हैं, यानी आग में आग नहीं लग सकते जल्द, यानी ऑप्शन नंबर B फायर रिटार्डेंट्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ कटअप एंगल कॉक इज फिटेड इन फ्रेट, यानी गुड्स स्टॉक में किस प्रकार के कटअप एंगल कॉक प्रयोग किए जाते हैं। तो यह बॉल टाइप प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी किस्से में एग्जाम में आपसे इसका डायमीटर, बॉल का डायमीटर पूछ ली जाती है, तो 10 mm का बॉल एंगल कॉक में प्रयोग किए जाते हैं। यह आप जब वर्किंग कंडीशन में आपको नहीं दिखेंगे, जब आप इसको आप आइसोलेट कंडीशन में करेंगे, यानी आप इसको बंद पोजीशन में करेंगे, फिर जाकर आप इस तरह का बीच में आपको दिखेगा, जिसका डायमीटर 10 mm के होते हैं। और यहाँ पर हमारा बॉल टाइप ऑप्शन नंबर B सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच गैस इज यूज्ड इन MIG बिल्डिंग, यानी MIG बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा MIG का फुल फॉर्म हमारा होता है मेटल इनर्ट, यानी मेटल इनर्ट गैस होता है। चूँकि पहले इसमें आर्गन गैस प्रयोग किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस केस में हम ऑप्शन नंबर A सही उत्तर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बियरिंग इन ICF कोच, यानी ICF कोच के रोलर बियरिंग में किस प्रकार के ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा लिथियम बेस ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें इन एन ICF कोच हाउ इज द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसपोर्ट ऑन द ट्रॉली, यानी ICF कोच में ट्रॉली पर बॉडी का भार कैसे स्थानांतरित किए जाते हैं। तो इसके साइड बियरर के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन इन कोचिंग स्टॉक व्हाट टाइप ऑफ बुसेस आर बीइंग यूज्ड फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट्स, यानी कोचिंग स्टॉक में इंडो जर्मन संशोधन के बाद ब्रेक गियर कंपोनेंट्स के लिए किस प्रकार के बुश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर C नायलॉन 66 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल, यानी सामग्री की कठोरता परीक्षण करने के लिए निम्न में से किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर A ब्रिनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मच फैटिक अलाउंस इज एडेड इन CLW इंसेंटिव स्कीम, यानी CLW प्रोत्साहन योजना में कितना थकान भत्ता जोड़ा जाता है। CLW मीन्स चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड एट पश्चिम बंगाल, इसमें 12.5% का थकान भत्ता दिया जाता है, यानी फैटिक अलाउंस, यानी ऑप्शन नंबर D सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच मैक्सिमम बोनस इन परसेंटेज इज गिवेन टू अ डायरेक्ट वर्कर, यानी प्रत्यक्ष कामगार को प्रतिशत में अधिकतम बोनस कितना दिया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा 100% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच काइंड ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस इज नॉर्मली यूज्ड इन परचिंग PAC आइटम,
यानी पीएसी मदों को खरीदने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की लिखित निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर हमारा सिंगल टेंडर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर आर प्रेजेंट इन अ फिएट बोगी, यानी एक फिएट बोगी में कितने शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं? तो 9 की संख्या में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्राइमरी शॉक ऑब्जर्वर्स की, तो पर ट्रोली यानी बोगी में 4 की संख्या में 4 चक्के पर होते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी हमारा एयर स्प्रिंग के पास में 2 की संख्या में होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हमारा ईओ डैम्पर जो कार बॉडी और बोगी कनेक्ट करते हैं वो हमारा 2 की संख्या में होते हैं, और एक हमारा लेटरल डैम्पर होता है जो कि 1 की संख्या में होते हैं। सारे को हम एडिशन करते हैं अगर तो 9 की संख्या में हमारा ये आता है पर ट्रोली यानी पर बोगी आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एएसी इज फॉर व्हाट काइंड ऑफ आइटम, यानी एएसी का मीन्स यहाँ पर होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन, यानी एवरेज एनुअल कंजप्शन, यानी एएसी किस प्रकार के मद के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए स्टॉक आइटम के लिए किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्म यूज्ड फॉर सेंडिंग द कंडम मटेरियल टू स्टोर, यानी किस फर्म का उपयोग अनुपयोगी घोषित सामग्री को स्टोर में भेजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा DS8 Note फर्म का उपयोग किया जाता है जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी के तरफ सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन विच मंथ फाइनल मॉडिफिकेशन ऑफ बजट इज प्रिपेयर्ड, यानी किस माह के बजट का अंतिम संशोधन तैयार किया जाता है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी जनवरी माह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगेंस्ट विच डिमांड नंबर एक्सपेंडिचर इनकरेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ CNW इज बुक्ड, यानी CNW का रख रखाव का खर्चा किस डिमांड के नंबर के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत, यानी डिमांड नंबर सी के अंतर्गत हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत CNW का मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। जबकि अगर 4 की बात करें तो 4 में हमारा पीबे एंड वर्क्स के एक्सपेंडिचर के बारे में देखा जाता है, जबकि 5 की बात करें तो 5 में हमारा मोटिव पावर्स के बारे में देखा जाता है, जबकि 7 की बात करें तो मशीनरी एवं प्लांट जो MNP होते हैं उसके एक्सपेंडिचर के बारे में डिमांड नंबर 7 में बताया गया है। चूंकि यहाँ पर हमसे CNW के बारे में पूछा गया है तो हमारा डिमांड नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रिवेन्यू बजट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन डिमांड्स, यानी राजस्व बजट को कितनी मुख्य भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 16 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्विस कंट्रैक्ट एग्रीमेंट वैल्यू इज केप्ट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी सेवा अनुबंध करार मूल्य वैल्यू का कितना प्रतिशत प्रतिभूति जमा के रूप में रखा जाता है? तो 5% इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आफ्टर व्हाट टेंडर वैल्यू प्राइस वेरिएशन कॉलेजेज इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन अप्लीकेबल, किस निविदा मूल्य के बाद सेवा अनुबंधों में मूल्य में परिवर्तन का क्लॉज लागू हो जाए? तो इसका सही उत्तर हमारा 5 crores यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हमारा कि PH42 यानी प्लान हेड 42 इज अ पार्ट ऑफ विच बजट, यानी प्लान हेड 42 किस बजट का भाग है? तो इसका सही उत्तर हमारा
कैपिटल बजट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दो तरह के बजट होते हैं, एक हमारा होता है कैपिटल बजट, एक हमारा होता है रेवेन्यू बजट। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल बजट इसका पीएच प्लान एट के अंतर्गत हमारा वर्क्स वगैरह आते हैं, वर्क्स तो वर्क्स हमारा कैपिटल बजट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम इज अंडर विच प्लान हेड, यानी चल स्टॉक कार्यक्रम किस योजना शीर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा PH21 के अंतर्गत, हमारा प्लान हेड 21 के अंतर्गत हमारा रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जबकि PH16 के बात किया गया है यहाँ पर, तो 16 में हमारा ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड जो होता है उसके बारे में देखा जाता है, जबकि 41 में हमारा MNP के बारे में देखा जाता है, मशीनरी एवं प्लांट्स के बारे में, जबकि PH42 के बारे में बताया जाए तो यह इसमें वर्क्स के बारे में, वर्कशॉप के बारे में देखा जाता है। चूँकि यहाँ पर हमारा रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी प्लानेट 21 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिप्रेसिएटेड, निम्नलिखित में से किसका मूल्यह्रास नहीं होता है। तो एक लैंड ही है जिसका दाम बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए डिप्रेसिएशंस प्रोवाइडेड फंड्स फॉर, मूल्यह्रास किसके लिए निधि प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा रिप्लेसमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉन स्टॉक आइटम्स इज बुक्ड अगेंस्ट विच प्राइमरी यूनिट एंड पी यूनिट, एंड नॉन स्टॉक मद किस प्राथमिक इकाई के अंतर्गत बुक किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमसे नॉन स्टॉक के बारे में पूछा गया है, तो सीधे सीधे आंसर हमारा प्राइमरी यूनिट यानी पी यूनिट 28 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं 27 की बात करिए पी यूनिट 27 की, तो इसमें बताया गया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक, एंड जो हमारा ये हमारा नॉन स्टॉक से रिलेटेड है जबकि ये हमारा स्टॉक से रिलेटेड है। जबकि PU32 के बारे में बताया जाए तो इसमें बताया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो न्यू व्हील लेथ इज नॉर्मली परचेज अगेंस्ट विच प्लान हेड, यानी नए व्हील लेथ को किस योजना के शीर्ष के अंतर्गत खरीदा जाता है। क्योंकि न्यू व्हील लेथ हमारा नॉन मूवेबल आइटम है जो कि MNP के अंतर्गत आते हैं, और MNP हमारा PH41 के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर बात इसके अलावा अगर बात करें 64 की, क्या होता है प्लानेट 64, तो प्लानेट 64 हमारा अदर स्पेसिफाइड वर्क होता है, जबकि PH53 हमारा पैसेंजर एमिटी से रिलेटेड होता है, जबकि 42 की बात करें तो यह वर्क्स से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हमसे सिर्फ MNP यानी नए व्हील लेथ्स के बारे में पूछा गया, तो PH41 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रिपेयर ऑफ मशीनरी प्लांट्स इज बुक्ड अंडर विच अब्स्ट्रैक्ट्स, यानी यहाँ पर हमसे अब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में पूछा गया, मशीनरी और संयंत्र की मरम्मत किस अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत बुक की जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जानते हैं कि रिपेयर और मशीनरी प्लांट्स हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट ई के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर डिमांड्स की बात करें तो डिमांड नंबर 07 यानी 7 के अंतर्गत मशीनरी एवं प्लांट्स को रखा गया है, जो कि ऑब्जेक्ट ई में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ जोनल रेलवे और अ इंडियन रेलवे इज मेजर्ड बाय विच इंडेक्सेस, एंड एक क्षेत्रीय रेलवे या भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति को किस सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन अ जोनल रेलवे द बजट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम विच मंथ, तो क्षेत्रीय रेलवे में यहाँ पर हमसे जोनल रेलवे के बारे में पूछा गया है, क्षेत्रीय रेलवे इस केस में हमारा सही उत्तर नवंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कंट्रेक्चुअल पेमेंट आर मेड अगेंस्ट विच प्राइमरी यूनिट, चूँकि संविदात्मक भुगतान किस प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी
प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स आते हैं। यहाँ पर ये हमारा पी यूनिट 27 हमारा स्टॉक आइटम्स के लिए होते हैं, जबकि ये नॉन स्टॉक आइटम्स के लिए होते हैं, और पी यू 18 हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स के बारे में पूछा गया है, तो प्राइमरी यूनिट 32 यानी 32 हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन अ रेलवे वर्कशॉप व्हाट इज द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स परमिटेड इन अ वीक, यानी रेलवे कारखाना में एक सप्ताह में काम करने के लिए कितने अधिकतम घंटे की हो सकते हैं। तो 48 आवर्स, जो कि रेलवे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत है, जिसमें 48 घंटे पर वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द टाइम ऑफिसेज इन अ द टाइम ऑफिसेज इन अ वर्कशॉप इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफिसर, यानी कारखाना के समग्र कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण किस अधिकारी के अधीन होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर, जबकि सबसे सीनियर वर्कशॉप लेवल पर हमारा CWM होता है, यानी चीफ वर्कशॉप मैनेजर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अंडर व्हाट एज ऑफ अ पर्सन इज नॉट परमिटेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, निम्न में से किस उम्र के व्यक्ति को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर से कम वाले को अलाउ नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ बेसिक पे इज गिवेन, और निलंबन के दौरान मूल वेतन का कितना प्रतिशत दिया जाता है। तो निलंबन, चूँकि यहाँ पर हमारा सस्पेंशन पीरियड में पूछा गया है निलंबन के दौरान, तो इस दौरान हमारा कर्मचारी को 50% दिया जाता है निर्वाहभत्ते, जो कि SF3 में बताया गया है कि कोई कर्मचारी अगर सस्पेंड हो जाता है उस पीरियड में उसको 50% निर्वाहभत्ता दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 50% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ अ मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस अ रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर अ पेंशन, न्यूनतम कितने वर्षों की निरंतर सेवा के बाद रेलवे कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा 10 ईयर्स मिनिमम सर्विस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ए लेडी रेलवे स्टाफ कैन अवेल हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव, यानी एक महिला रेल कर्मचारी कितने दिनों का मातृत्व अवकाश ले सकती है। तो इसके लिए मैक्सिमम 180 डेज होता है, जो कि दो चाइल्ड के लिए अलाव होते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि जब वह कंडीशन में हो, गर्भपात कंडीशन में, तो उसके लेना अनिवार्य होता है, जिसमें हमारा 180 दिन मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे इज क्रिएटेड इन द लीव अकाउंट ऑफ रेलवे स्टाफ एट व्हाट रेट ऑफ पर मंथ, यानी किसी रेल कर्मचारी के छुट्टी को खाते में औसत वेतन छुट्टी प्रति माह किस दर से जमा की जाती है। 2.5 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए 6 माह पर 15 LAP, जबकि एक वर्ष में 30 LAP दिए जाते हैं कर्मचारी को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2.5 डेज पर मंथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइम्स इन हिज और हर सर्विस पीरियड अ रेलवे एम्प्लॉय कैन इनकैश हिज और हर लीव, यानी एक रेल कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में कितनी बार अपनी छुट्टी का नकदीकरण करवा सकते हैं। इसका सही उत्तर 6 टाइम मैक्सिमम करवा सकते हैं, और प्रत्येक टाइम मैक्सिमम 10 LAP मैक्सिमम एक टाइम में करवा सकते हैं, जिसके दो इयर्स का गैप, मिनिमम गैप इनकैशमेंट के बीच होना अनिवार्य है। और इसके लिए एक और नियम है कि जब आप इनकैशमेंट करवा रहे हो LAP का,
तो उस समय आपको 10 एलएपी लेने के बाद यहाँ पर बताया गया है 30 एलएपी मिनिमम आपके अकाउंट में होना अनिवार्य है, इस बात का आप ध्यान रखें। और मैक्सिमम आप सर्विस पीरियड में 6 टाइम से ज़्यादा यानी टोटल 60 एलएपी से ज़्यादा आप नगदीकरण नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इज सस्पेंशन, निलंबन किस प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई है। तो निलंबन किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं है, यानी नॉन ऑफ द देव हमारा डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फीमेल एम्प्लॉय कैन बी गिवन चाइल्ड केयर लीव, जिसे हम CCL यानी चाइल्ड केयर लीव होता है, किसी महिला कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों का शिशु देखभाल अवकाश यानी CCL दिया जा सकता है। तो इसकी मैक्सिमम 730 डेज यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कंडीशन ये भी रखा गया है कि आप मिनिमम 3 स्पेशल्स जो मैक्सिमम आप 3 बजे से ज़्यादा पर ईयर में आप नहीं ले सकते, और एक टाइम में आप 5 डेज से कम यानी 5 डेज कम से कम आपको लेना ही पड़ेगा एक स्पेस यानी एक बार में, और एक साल में आप 3 बार से अधिक CCL नहीं ले सकते हैं। और इसमें है कि पहले 365 डेज में आपको 100% पेमेंट भुगतान किए जाएंगे, जबकि नेक्स्ट 365 डेज में 80% ही आपका भुगतान किए जाएंगे। और 3 स्पेस में ले सकते हैं एक साल में मैक्सिमम, और मिनिमम 5 डेज आपको प्रत्येक स्पेस यानी एक में लेना अनिवार्य होता है, या आप बच्चे को जब तक 18 वर्ष ना हो जाए उस कंडीशन तक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद इन रेलवे, रेलवे में उम्मीद का पूर्ण रूप क्या होता है। यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रेन मैक्सिमम रेलवे एम्प्लॉय कैन गेट अ रिम्बर्समेंट फॉर ट्यूशन फीस, यानी एक रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितने बच्चों तक का ट्यूशन फीस दिया जाता है। तो यह अप टू 2 ओनली इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2 बच्चों तक ट्यूशन फी अलाउ होते हैं रेलवे की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलएपी फॉर विच इनकैशमेंट इज गिवन एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम कितने दिनों की एलएपी का नगदीकरण किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 300 एलएपी का नगदीकरण आप करवा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कम विद इन द कैटेगोरी ऑफ अ पर्सन एलिजिबल फॉर कंपनसेट ग्राउंड, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकंपा जिसे हम CG ग्राउंड भी बोलते हैं यानी कंपनसेट ग्राउंड अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार नहीं है। तो यहाँ पर लड़के यानी बेटा भी ले सकता है, बेटी भी, पत्नी भी ले सकता है, सन इन लॉ जो कि दामाद इसके लिए पात्र नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द बेसिक फॉर सूटेबिलिटी अंडर मॉडिफाइड MSEP यानी संशोधित MSEP उपयुक्तता किसके आधार पर दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा सर्विस रिकॉर्ड एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एंड वर्किंग रिपोर्ट्स के आधार पर दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 6th पे कमीशन जो हमारा 6th पे कमीशन था उसके आधार पर हमारा 1 सितंबर 2008 को यह लागू किए गए थे, कि जिसका फुल फॉर्म हमारा होता है मॉडिफाइड एजर्ड कैरियर प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें आपके सर्विस पीरियड में मैक्सिमम 3 बार MSEP का आप लाभ ले सकते हैं, 10 साल होने पर आपको अगर प्रमोशन नहीं होता है उस कंडीशन में। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।